ये सौरभ जोशी से मिलने के लिए खिड़की से बाहर रखी है। इनमें से जिनके भी आप ब्लॉग देखोगे ना, सबको सब्सक्राइब करना, सबको सपोर्ट करना। मेरे को भी मिला दे दे सौरभ जोशी से। अच्छी यार। सो पहाड़ों की एक और खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत। रेडी हो चुके हैं और ब्लैक में बहुत गर्मी लगी तो यार चेंज करते हैं ना। ओके चेंज कर लेते हैं। ओके तो हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं यहाँ से सीधे मेघना की ओर। मेघना में भाई आ रहे सौरभ जोशी भाई, तो मिलेंगे, देखते हैं क्या पता मिलना हो पाए तो मिल लेंगे। रोड पे पहुँच गए हैं और कहाँ पे रुके हैं ये रहे मित्रगण लोग यहाँ पर हैं। खोल भाई दरवाजा। तो सुबह सुबह लोकेश ने बताया मेरे को कि सौरभ जोशी भाई आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार चलते हैं, हम भी मीटअप रखा है तो मिल लेते हैं। वैसे तो कोई मिल नहीं पाता है वहाँ, मतलब बहुत दूर है ना हमारा। ए कहना मत का पहले वीडियो बना रहा। सो ऐसा हो रहा है क्या कह रहा था यार, बुलाते हैं। सो एक और आ गए हैं हमारे साथ, ज्वाइनिंग कर ली है और एक और। थैंक यू भाई लोगों, मैं रोज आता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक और ज्वाइन कर लिया है और हमारे ड्राइवर। अच्छा चलो यहाँ से चलो, ठीक है उसके लिए एक बकरी पिठा लगाएंगे। हाँ एक बकरी डाल देते सौरभ भाई, पिठा लगा दी भाई के साथ। हम सौरभ जोशी को देखने जा रहे हैं, तो गाइज लाइक कमेंट शेयर तभी करिएगा जब हमें चिप्स और ठंडा पिलाए। तो मैडम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, गाने भी नहीं बजा रही है गाइस, गाने नहीं बजा रहे, इसने बहुत बोर कर दिया है। अरे बांटे तोड़ते हैं, बाजार से काफल लेता ना, कहता यार पहली बार सौर भाई हमारे वहाँ काफल बहुत होता है, आप काफल खा लो। अरे वो भी वही का ही है, काफल खाने आ रखा है, क्या बता तुम्हें। सौर भाई के बड़े बिग फैन है जो ये देखो, ये अपनी पढ़ाई छोड़ के उनसे मिलने आ रखे हैं। टाइम बेटा 11:53 हो गया है, 12 बजे है मीटअप और अभी हमें यहाँ। तो बोलना 12 बजे पहुंचाना करके यार, मैं पहुंचा दूंगा। तिरपन हो गया है, तुम कलिदा पकड़ के बैठे रहना। ये अगर मैं कह रहा हूँ ब्लॉगर्स जा रहे हैं आगे, फिर सौरभ भाई से मिलने। तो पहुंच चुके हैं हम मेघना में, ये देखो दूर से दिख रहे हैं मेघना, अभी पास से भी नहीं है यार। ये देखो दो तीन ब्लॉगर थे खड़े होंगे बेटा, वहाँ पे कहीं भीड़ लगी है। तो गाइस मिलने जा रहे हैं, उसका नाम आपको पता चलेगा, सौरभ जोशी नाम है उसका, और हम उससे मिलने जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाइस तो बड़ा बड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। जय माता। अबे की सांस में बोल दिया गाइस। तो चलो फिर उतरो। मेघना में पहुंच चुके हैं, पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं मेघना में। सो गाइस वहाँ पे देखो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, सब लोग खड़े हैं, देखो ये सब लोग अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। 12 बजे तो 12 बजे पहुंच गए हम, आ गए हैं, आ गए हैं। भाई जी कैसे हो? आ रहा सौरभ भैया, सौरभ भैया आ रहे। अच्छा सो भैया का चैनल है हिमालयन हस्की करके, मैं बहुत पहले से देखता हूँ और ऊपर से बहुत सारे व्लॉगर्स हैं ऊपर पे खड़े हैं भाई लोग। कुछ ही मिनट बाद सौरभ भाई भी आ गए थे अपने स्टाइल में, अपना डंडा वाला कैमरा लेके, और पहुंच गए थे हमारे सामने। सो गाइस सौरभ जोशी भाई आ चुके हैं, मैं सौरभ भाई आ चुके हैं। हाँ हाँ सारे के सारे ब्लॉग हैं। सो सौरभ भाई आ चुके हैं, देखो देख रहे हो कितनी भीड़ लग गई है भाई, देखो ये सब दरवाजा मत तोड़ना भाई लोगों। पूरा गेट दिया सौरभ भाई को, हिमालय मस्की वाले भैया और सौरभ भाई को घेर दिया है पूरा, दिख ही नहीं रहे मतलब ना। ये देखो ऊपर से दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा मीटर सौरभ भाई का। सभी को सब्सक्राइब कर देना, जिनके भी आप ब्लॉग देखोगे ना सबको सब्सक्राइब करना, सबको सपोर्ट करना। सब यहाँ पे फोटो खिंचा रहे सौरभ भाई के साथ, और तो कुछ फोटो हमने भी खिंचाई, फोटो मेरी उतनी अच्छी नहीं आई क्योंकि मैं फेशियल करा के नहीं गया था ना, तो अगली बार करा के जाऊंगा। एक ब्लर आ गया।
ब्लर आ गई है। कैसा लगा फिर पिथौरागढ़? पहले आए हो आप तो? पहले पिथौरागढ़ आए हो? वैसे आए हो तो देवी, अब जब आए हो ना इसके यहाँ से देवी दूरा वाले रास्ते से जाते हैं। बाहर जा रहे हैं और यहाँ से नीचे व्यूज देखने, व्यूज देखने वाले। और ये रहा पिथौरागढ़, जैसे कल अल्मोड़ा का आया था, देखेगा चंपावत था यार। ये देखो हेलो सर, कहाँ यहाँ? तो कैसा लगा व्यू आपको यहाँ से सौरभ भाई? पैसा वसूल? तो गाइस यहाँ पे सौरभ भाई और यहाँ पे सारे व्लॉगर ही व्लॉगर हैं, ब्लॉगर ही ब्लॉगर दिख रहे हैं। और कुछ इस से मिलने भी आए, ज्यादातर ब्लॉगर्स हैं। सौरभ भाई का ड्रोन और ये चलेगा ऊपर और इसमें आएंगे हम। इसमें आप हम आएंगे, इसमें हम भी दिखेंगे। बत्तियां चल गई हैं। धूप लग रही है भाई, आगे गांव वाले दे दीजिए। अगर ड्रोन गिर गया तो वापस कर जाना। उड़ ही रह गया वो ड्रोन, अभी भी उड़ रहे। आ गया भाई, आ गया, आ गया, वापस आ गया। खत्म चले गया यार, एयरपोर्ट में लैंड करा दे इसको। नहीं होता। आंखों से नहीं दिख रहे अभी, दिख ही नहीं रहा अब तो, आंखों में ही नहीं दिख रहा है, आंखों से ही नहीं दिख रहा है। किधर होती, किधर गई पता नहीं। और बाइक कर रहे हैं कुछ, सो मैं साइड में खड़ा हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। देखो वहाँ पर आगे ऐसे हो नहीं पा रही है बातचीत, तो मैंने कहा ऐसे मिलने से अच्छा बेटा ऐसे साइड में रहते हैं, अभी क्या पता कुछ देर में खाली हो जाए, बात कर सकते हैं बात। और जो से मिलने के लिए खिड़की से बाहर आ रखी है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, ये बेचारी मिल भी नहीं पाई है सौरभ जोशी भाई से, बड़ी परेशान है ये। देखो कहाँ है, कौन है जिसने हमको नहीं देखा। सो गाइस यार बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी वहाँ पे, और तो मैंने कहा चलते हैं यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी भी चाहिए होती है लोगों को, तो मैंने कहा चलते हैं हम। मिल गए, बहुत बड़ी बात है, तो हमने कहा मिल गए हैं, अब चलते हैं यहाँ से।